बाल उखाड़ा गया था, चश्मा तोड़ दिया। पुलिस ने तो नहीं मारा ना? नहीं। रात ही बुढ़ो उम्र के हमारे लोग के आदमी हो गए हैं, आज से रहा थे, जमाने से रहा थी। जो दूसरा पक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, वो कह रहा है कि हमारा मकान है। हाँ ही भैया, कुल मूर्ति उर्ति कुल यही इनके है, आज से रहा थी, बहुत दिन से रहा थी। आज से नहीं रहते, बहुत जमाने। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हामिद है। हामिद, ये बताइएगा कि किस तरह का मामला है यहाँ पे? मामला ये है भैया कि ये लोग जब से मैं जानता हूँ कि रह रहे हैं, करीब 40 साल मुझे मालूम है, वैसे मैं यहाँ रहता नहीं था। 3 साल से कंटिन्यू मैं यहाँ रह रहा हूँ, बाकी मैं दिल्ली रहता था, मगर जब भी आता था तो यहाँ ये लोग रहते थे। तो क्या लगता है इनके साथ जास्ती हो रही है? अब जास्ती क्या है, तो यही आपके सामने ही है, आप देख ही रहे हैं, रहते ये लोग थे, मुझे मालूम है अच्छी तरह। और ये हमारा बैनामा है, परिवार रजिस्टर है, जल निगम का पूरा वो है पेपर, हर एक चीज़ है। इसमें कुछ माफिया सर, इसमें कुछ माफिया है जो इसमें जबरदस्ती घुसाना चाहते हैं हमारे घर में। इसमें जो है SDM साहब का आदेश है कि इसको घर को सीज किया जाएगा, हमको भी घर से बाहर निकाले हैं। SDM साहब का आदेश कहाँ है? अभी आदेश नहीं है, प्रक्रिया। तो जब अगर आदेश नहीं है तो आदेश के पहले फिर ताला कैसे लग गया? थे और SO साहब आए थे। ठीक है, तो विवाद के कारण वहाँ पे ताला लगा था सर, ये लोग जबरदस्ती को। बिल्कुल बिल्कुल करना भी चाहिए, पुलिस का काम ये होता है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखना, ना कि पुलिस का काम ये नहीं होता है कि उस पर ताला मार। नहीं, ये बताइए, ठंड का मौसम है, परिवार को अलग किया गया ना सर? देखिए, हमको खुद हम बाहर रहना पड़ रहा है, यहाँ पे आग जला के हम लोग बैठे हुए हैं, चाचा के अपने घर की महिलाओं को हमें भेजना। जैसे इससे हम लोग यहीं थे, SDM साहब आए थे, कहें ना उसमें आपका पक्ष जाएगा ना उनका पक्ष जाएगा, ताला दोनों लोगों को बंद करवा दिया कि न्यायालय मुकदमा चल रहा है, उसको डिसाइड कर लीजिए, जिसका होगा ले लेगा, ये मामला होता है। लेकिन जब परिवार वहाँ, न्यायालय का मामला क्या होता है? न्यायालय में ये मामला चलता है कि अगर यथास्थिति बरकरार रहना होता है, कि यथास्थिति का मतलब नहीं होगी अगर वो कमरे में है ऑलरेडी, उसके ताला। दोनों लोग कमरे में थे, उसी मकान में दोनों लोग रह रहे थे, पीछे एक दरवाजा आगे एक दरवाजा है, इसी वजह से तो विवाद हो रहा था। अगर एक घर में, उसी घर में दोनों लोग को घुसा दिया जाएगा तो रोज मुर्गा लड़ेगा, और गंभीर घटना भी हो सकती है। जब उसी घर का विवाद है, उसी घर में दोनों लोग रहना चाहते हैं, ये लोग सुलह समझौता भी किए हैं, समझौता भी कर चुके हैं, ये उनका पूरा लिखित है, समझौता कर चुके हैं। एक जो इनको किनारे उनको दिया गया था, उसमें फिलहाल वो रह रहे थे, और उसका आगे हम लोग का सिस्टम था, उसमें रह रहे थे हम लोग, मौके पे कभी इसमें रहते, कभी अपने दूसरी जगह रहते थे। लेकिन अभी उस दिन ये कुछ गुंडों की मदद से ज़बरदस्ती कब्जा करने आई थी, रेलवे स्टेशन के हैं एक बड़े गुंडे साहब, वो लोग आए थे जबरदस्ती हमारे। रेलवे स्टेशन के कौन है बड़ा गुंडा? अरे कुछ लोग हैं, नाम नहीं, गुमनाम लोग हैं, कुछ लोग इनसे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं। जबरदस्ती सर हमको फोन करते हैं कि हमसे बेच दीजिए, हमसे बेच दीजिए, इनसे कुछ लोग खरीदना चाहते हैं सर, चाहते हैं कि ये मकान हमारे से बेच दो, 10-5 लाख रुपया ले लो, हट जाओ यहाँ से। सर घर मेरा, मैं क्यों बेच दूं? मैं उसमें रह रहा हूं, मुझे उसमें से निकाला जा रहा है। मेन प्रकरण ये सर, मोहल्ले में कुछ नहीं, मोहल्ले में किसी से पूछ लीजिए, अगर ये रहता है मैं ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा मकान को, अगर ये ऐसे कहते पूरा मोहल्ला गवाह होगा। और क्या, आपका सामान नहीं, सब सामान मेरे अंदर है, मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ, पूछ लीजिए मोहल्ले में, पूछिए किसे, कौन रहता है मोहल्ले में, बताओ कौन रहता है, आप सब ये सब फर्जी कागज। जैसे इनका कहना, बैनाम शांति रहिए, बैनामा किससे लिया गया सर? हमारे जो पिताजी थे लिया गया सर, हमारे जो पिताजी थे उनके 4 लड़कियां थी। आप अपनो, जैसे हम आपकी बात सुनने आए हैं, तो शांति से आप अपनी बात कह दीजिए, अगर लड़ाई करेंगे तो फिर। नहीं सर, लड़ाई नहीं कर रहे सर, लड़ाई नहीं कर रहे हम लोग, ये गलत बोल रहे सर, मोहल्ले में नहीं रहते सर, आप किसी भी पूछ लीजिए, नहीं रहते सर मोहल्ले में इन लोग। उसके बाद 30-40 जनिया इन लोग को फेंक दिया, 2 जनी क्या करेंगे, 30-40 जनी को सामने से आना चाहिए ना, एक बार भी सामने कट्टा लेके धमकी दे के उठा। मैंने ये भी सुना है कि इससे पूर्व में उन लोगों की तरफ से एक ऑफर था कि आपको कहीं भी एक जमीन दे दिया जाए, इस जमीन को खाली। कुछ नहीं कह रहे हो, दूसरे से कह रहे हो, जो भी बात करनी हो हमसे बात करें ना, हम है तैयार बात करने के लिए, तो दूसरे से कोई की बात कर रहे हैं, जमीन क्यों देंगे? एक बात बताइए, जब हमारा ये 3 पुश्ते हमारी रह रही, इनसे पूछ लीजिए, ये बता देंगे आप। काका आप यहीं रहते हैं, आप बहुत बुजुर्ग हैं, ये बताइएगा क्या मामला था? यह पूरा मामला ये है, यहाँ की असलियत ये है कि आज ये 400 साल के पहले
से इनका कब्जा है, ये इसमें रह रहे हैं और पूरा मोहल्ला ये गवाह है। कब्जा किस बेस पे है, क्योंकि न्यायालय में मामला तो चल रहा है, मुकदमा चल रहा हो या उससे नहीं हम लोग जानकारी है, लेकिन ये है कि स्टाम्प पेपर पे पहले 40 साल पहले लिखा पढ़ी होती थी और वही स्टाम्प पे लिखा पढ़ी के ये जमानत पे मकान लिया गया था। हमारे पिता एक शाही सिपाही थे, उनकी मौजूदगी में ये स्टाम्प पर लिखा पढ़ी हुआ है और उसके बाद ये लोग इनके परिवार के लोग रह रहे हैं और 50-60 साल हो गया रहते हुए इन लोगों को रहते हुए यहाँ। अब ये लोग कैसे फर्जी, क्या मुकदमा है, क्या बयानामा लिए हैं, अब ये तो वही लोग। लेकिन क्या जो पुलिस ने किया इस पे ताला लगा के ये अच्छा काम किया है? अब ये तो भाई पुलिस पर तो अदालत का काम था, अदालत अगर इनको खाली करवाने का कोई आदेश देती तो ये कर किया जाता। हाँ ये बिल्कुल, ये तो पुलिस ने जाती की है, लात मार दिए मंदिर पे लात मार दिए, तोड़ और के सब कुछ, 2 जनी और 40 जनी में क्या करेंगे बताइए आप भैया, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के साथ ना इंसाफी हो रहा है, कोई तैयार नहीं है हम लोग के पास, एक हिंदू महिला कहाँ जाएगी विधवा, आप चल भी नहीं पाती हैं? नहीं भाई हम नहीं चल पाए थे, उठा के वहां फेंके थे यहाँ, यही जो था हमको उठा के एक बार फेंके चौकट पे आई, मैं खींच के बेड पर से मेरे को और फिर यहाँ चौकट पे, यह उसके बाद उठा फेंके, मैं यहाँ पड़ी थी मेरा साल भी पिछले साल वहाँ पड़ी थी, जब पुलिस बोला तब हमको नहीं, आपने पुलिस से नहीं बोला कि हम लोग रहेंगे कहाँ? बोले कि कह हमारी सरदर्दी है कि चाबी सब मिल जाएगा आपको, नहीं बोले आपका सरदर्दी है, कैसे 3 दिन निकालना है वो आप लोग देखिए, हम लोग नहीं देख सकते, पुलिस ने ये बोला था। कोर्ट का कोई आदेश था? कोर्ट से कोई आदेश नहीं, कुछ नहीं, गुंडागिरी से आए सब तमंचे लेके, गुंडागिरी से आया कोई आदेश, कोई ये समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये लोग यहाँ से बिंजू रहा थे, हमारी उम्र देख लियो, जब से हम आए तब से बिंजू रहा थे, झूठ ना बोले बेईमानी कर, खाली वही घर में हमारी उम्र देख लो, 60 साल का हमारी उम्र है, मगर जब से आए तब से देखी है, नहीं नहीं गलत बात, हम झूठ बोल रहे हैं, ये तो रहते ही थे। चलिए ठीक है, अभी और क्या नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला है। ये मकान तो किसी और का है? हमारे भाई का था, हमें दिए है, हमारे नाम सब कुछ चढ़ा है, सब कटवाई दिए है आपके नाम पे। हाँ तो पुलिस ने किस बेस पे, क्या कोर्ट का कोई आदेश था पुलिस के पास? कुछ नहीं, कोर्ट का आदेश नहीं था, गुंडा बदमाश 10-15 घुस पड़े, वो लोग 15-20 औरत घुस के मारने लगी माँ को, हमारे भाई को, इन लोग को सोचना चाहिए ना। कहाँ मारा? दबा दे हमको, मारे हमारे कमर में मारे, हमको पकड़ के 5-6 लोग जुड़ गए, हमको मार घिस के माँ को बाहर निकाल दिए, हमारी मोबाइल छीन लिए, हमारा मंदिर तोड़ दिए, हमारी मूर्ति। 10 साल से ये मामला न्यायालय में विचाराधीन था, तो क्या हुआ न्यायालय की तरफ से? क्या हुआ की तरफ से? मुकदमा चल रहा है, मुकदमा अभी कुछ नहीं हुआ। मुकदमा तो हार चुके हैं ना? नहीं कुछ नहीं हारे, बंद हो गया था लॉकडाउन में, इसी वजह फिर तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह मारपीट दंगा पूरे दंगा करने के लिए आकर पूरा सब कुछ नहीं सुनवाया, हमारा चाबी धोखे से ले लिया, ताला लगा के चले गए, कह रहे अभी चाबी देंगे, चाबी नहीं दी, हमारे 3 दिन से भूखे रह रहे, न खाना खाए, न सोए, न बैठे, ये बाहर बैठे रहे, बाहर ये ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में ना परिवार 3 दिन से इसी तरह बाहर खुले आसमान के नीचे इस तरह अपना जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। न्यायालय के मंदिर में ताला लग जाना चाहिए, सारा फैसला पुलिस करेगी, पुलिस प्रशासन करेगी, पुलिस इस तरह कहीं इस तरह के मामले अगर आ जाते हैं तो पुलिस कानून का हंटर दिखाती है कि कानून उससे बंदिश में है, लेकिन कल जिस तरह की 2 दिन पहले जिस तरह परिवार को यहां धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया, ये पुलिस के लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है, सारा काम अदालत में, अदालत के दरवाजे, अदालत के मंदिर में ताला लगना चाहिए, जो काम करेगी अब पुलिस करेगी, पुलिस कानून का, ये कहते हैं ना कि पुलिस कानून का रक्षा करने के लिए, लेकिन किस तरह यहाँ सितम कर रही है पुलिस, कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आज लोग 30-40 जनी मिल के आए थे सर, कुत्ता बदमाश ले गए घर से खाली, इन लोग को माता जी को उठा के फेंक दिया, चोट लग गया, हमारी बिटिया को मारे, हमारे बच्चे को मारे, भाई को मारे, हमारे बिटिया को मारे, इसका सर पे, इसका आपका बाल भी पकड़ा गया, हमारे पोते को हमको खींच के यहाँ फेंके, फिर उठा के रोड फेंक दे, हमारी साल भी छीन लिए, आप उठिए आइए, हम नहीं उठ पा रहे हैं, दिखता भी नहीं हमको, हमारा जंजीर भी तोड़ लिए,
इनके औरतें लोग आई थी, ये सब आए थे नकाब लगा कर घुस के, हमारा सा अभी देख लो दाल चावल ऐसे बना पड़ा उसी में है, सब कुछ है हमारा, खाना पीना ना हमारे पास पैसा है, हमारा राशन पानी सब उसी में बंद है, हमारी मूर्ति हमारे आदमी का फोटो टंगा था वो सब उच के फेंक। पुलिस ने भी हाथापाई किया? नहीं, पुलिस ने नहीं किया। ये लोग अचानक सुबह सुबह 6 बजे आ गए, 30 जनी आए, दाल उखाड़ा गया था, चश्मा तोड़ दिया, पुलिस ने तो नहीं मारा ना? नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।